दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ कंट्रोल कितना आसानी से आप कर सकते हैं और चाहे डायबिटीज़ ख़त्म भी कर सकते हैं और आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो। आज सुबह एक पेशेंट मेरे पास आए, वो जैन मुनि थे। वो बोल रहे हैं कि पिछले 30 साल से दिन में केवल एक बार खाता हूँ मैं। मेरे सामने दो जैन पेशेंट बैठे हुए हैं, उनसे पूछता हूँ, भाई साहब जैन मुनि लोग कितने बार खाते हैं रोज़? दिन में एक बार ये सच है झूठ है? सच है फिर जिंदा कैसे रहते हैं लोग, कंट्रोल है जी उनका, कैसे? बस नियम जो स्वाध्याय करते हैं, चिंता कोई नहीं है उन्हें। हाँ और अपने देखो, इसका मतलब कहना ही चाहता हूँ कि अगर इंसान चाहे तो दिन में एक बार खा करके भी जिंदा रह सकता है। सच है झूठ है भैया, बताओ, सच है झूठ है? सच है सच। बहन जी मेरे सामने बैठी है, आप लोग शायद बिहार के हैं ना, रांची। रांची, तो उधर छठ होता है। छठ में लेडीज लोग 3 दिन तक, ये खुद करते हैं, अभी कर लेती हैं, तो 3 दिन खाते नहीं है। जरा ये माइक लीजिए, आप बहन आप हट लो, बैठे जरा। अच्छा, आप इस माइक लो जरा, मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ बातें पूछना आपसे। ये वीडियो रिकॉर्ड करें यूट्यूब पब्लिक के लिए। आप बहन 3 दिन बिना खाए कैसे रह लेते हो? पता नहीं, भूख नहीं लगती मुझे। जैसे जब छठ छठ कैसे भूखे रह लेते हो 3 दिन? मतलब क्या बोले, भगवान का ध्यान सोचिए एक तरफ से। 3 दिन तक बिना खाए हाँ, कमजोरी कितनी लगती है? नहीं वीकनेस ने काम तो मैं सब कुछ कर लेती उससे हूँ। कमजोरी नहीं लगती आपको? नहीं, पूजा जब खत्म होती है ना तब थोड़ा फील होता है। तो आप दोस्तों, आपने क्या समझा कि जब भी इंसान चाहे भूखे रह सकता है, पर दोनों फर्क है। जब व्रत करते हो तो आपने ठान रखा है कि भूखे मर जाऊंगी लेकिन खाऊंगी नहीं। जैन मुनि क्या करते हैं, ठान लिया मुझे एक बार खाना बस खत्म, तो पूरा खेल किसका है, इच्छा शक्ति ठानने का। हमारे अभी अन्ना हजारे ने 18 दिन तक, अन्ना हजारे ने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं खाया पानी के अलावा। कैसे कैसे? इच्छा शक्ति ठान लिया मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। होता क्या, सुन लो, ये जो फास्टिंग इलाज ये उनके लिए है जो मोटे हैं, सबके लिए नहीं है, पतलों के लिए बात नहीं हो रही है। आप सब मोटे लोग हो, आपके लीवर में फैट है जिसे इंसुलिन काम नहीं कर रहा, आपके पेनक्रियाज फैट है इंसुलिन बन नहीं रहा है। भाई साहब गारंटी के लिख के ले जाओ 3 महीने में डायबिटीज खत्म। उसके बाद जीवन भर करना सिंपल फॉर्मूला है, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी किस दिन एक बार खाया, कभी 2 बार खाया, कभी 3 बार खा लिया। आप बहन ने आप बोला दोपहर किटी पार्टी रवा डोसा खाया, हमने क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं, कोई पार्टी कभी कुछ भी खाओ, लेकिन कभी कभी के लिए उस दिन एक गोली एक्स्ट्रा खा लो, कुछ लिख दूंगा मैं आपको। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग, कभी एक बार खाया, कभी 2 बार खाया, कभी 24 दिन कुछ नहीं खाया, कभी 36 दिन कुछ नहीं खाया, कभी 3 दिन कुछ नहीं खाया, पानी पीते रहे, नमक तो लेते रहे, थोड़ा सलाद ले लिए, प्लस लो कार्ब डाइट, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट उसको काफ़ी कम खाना है, चावल आलू गेहूं की चीज़ें, चीनी की चीज़ें नहीं खाना है, फ्रूट मिल्क ये कम कार्ब कम खाने हैं, जो सोयाबीन की रोटी खाओ, आटे की रोटी खाओ, कोई कार्ब बहुत कम है, बादाम की पीस के उसकी रोटी खाओ कम है, आप बादाम कोकोनट पीस खाओ उससे कम है, सोयाबीन में थोड़ा बादाम कोकोनट मिला लो उसकी रोटी बना खाओ कम है। लोग बंदा गोभी उसको कस के उसकी रोटी बना खाते हैं, थोड़ा हटके करना है, जान लो ठान लेना है, मैं भूखे मर जाऊंगा लेकिन मोटा नहीं रहना है। हमने ये बोला थोड़ा कि आप 12 मिनट खा रही, फिर दिन भर पेट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, पनीर खाओ, चीज़ खाओ, नारियल खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, सरसों तेल खाओ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खाओ, इसके बाद जो लोग अंडा खाओ, मीट खाओ, मछली खाओ, पर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाओ, इसकी रोटी खाओ तुम, सोयाबीन की रोटी, बादाम की रोटी, पत्ता गोभी रोटी, हरी सब्जी खूब खाओ, सलाद खूब खाओ, खाओ सही खाना खाओ, प्रोसेस फूड एकदम मत खाओ जो फैक्ट्री में मिल रही है, ब्रेड बिस्किट नमकीन फेन पापे रस्क कॉर्नफ्लेक्स चीनी कोल्ड ड्रिंक पेप्सी मिठाई स्वीट्स केक्स
जितने प्रोसेस फूड मत खाओ, देखना कुछ देर सब ठीक हो जाएगा। होता क्या कि हम लोग ठाने नहीं हमने। हाँ हाँ, जैसे बहुत कभी कभी बहुत मन करता मीठा खाने का। हाँ मैं कभी ठीक है, कभी चलेगा, सब चलेगा, कोई मना नहीं है। आई होप इसे नॉलेज मिली कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो।